जय माता दी। प्यारे दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पूजा के दिन माता रानी को भूलकर भी यह अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहेगी। नंबर एक, दोस्तों लौंग का इस्तेमाल हम सभी माता रानी की पूजा में करते हैं, लेकिन ध्यान रखें माता रानी को सदैव फूल वाला ही लौंग अर्पित करें, जिसे लौंग में फूल लगा हो, और जिस लौंग के पीछे डंडी ना हो उसे भूलकर भी माता रानी को अर्पित ना करें। नंबर दो, माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है, नारियल टूटा हुआ और खंडित नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, माता रानी को आप तुलसी, दूब और आक के फूल भूलकर भी अर्पित ना करें, इससे माँ क्रोधित होती हैं। माता रानी को सदैव लाल पुष्प ही अर्पित करें। नंबर चार, माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित यानी कि टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल ना करें, जैसे कि टूटा हुआ दीपक या खंडित बर्तन इस्तेमाल ना करें। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। प्यारे भक्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।